जब हम किसी इमेज पे टारगेटेड एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट लेयर बनाने पड़ते हैं। टारगेटेड एडजस्टमेंट करने के लिए हमें उस इमेज में कुछ पोर्शन को सेलेक्ट भी करना होता है और उस इमेज के सिर्फ उसी एरिया पे एडजस्टमेंट लेयर को अप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें लेयर मास्क बनाना पड़ता है। लेकिन आमतौर पर हम एक एडजस्टमेंट से अपनी इमेज को परफेक्ट नहीं कर पाते हैं और अलग अलग एडजस्टमेंट लेयर बनाने पड़ते हैं। जैसे कंट्रास्ट के लिए हम अलग से एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, सैचुरेशन के लिए अलग से बनाएंगे, कलर बैलेंस के लिए अलग से बनाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हर एडजस्टमेंट लेयर के लिए एक अलग से लेयर मास्क बनाना पड़ता है ताकि जो एडजस्टमेंट है वो इमेज के टारगेटेड एरिया में ही अप्लाई हो। अलग अलग लेयर मास्क अलग अलग एडजस्टमेंट लेयर के लिए बनाने के बजाय हम चाहें तो सिर्फ एक बार इमेज के खास पोर्शन को सेलेक्ट करके उसका लेयर मास्क बना के उसके अंडर में भी एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ एक ही सिलेक्शन पे। यानी आपको बार बार सिलेक्शन करके लेयर मास्क बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही लेयर मास्क के अंडर में आप अपने सारे एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको अपने एडजस्टमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, उसको बढ़ाना है या कम करना है या रिफाइन करना है, तो आपको सिर्फ एक लेयर मास्क पे ये चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी जो एडजस्टमेंट लेयर है वो उस लेयर मास्क के अंडर रहेंगे तो उन पे ये इफ़ेक्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई भी इमेज ओपन कर लीजिए, जैसे ये इमेज ओपन है और इसमें आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया पे आपको एडजस्टमेंट टारगेट करना है। जैसे मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया है, मान लेते हैं कि ये जो अपना सिलेक्शन है ये एकदम परफेक्ट है। तो अब हम ये जो लेयर पैनल दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये क्रिएट ए न्यू ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप लेयर का क्रिएट करते हैं। अब हम ग्रुप लेयर पे एक लेयर मास्क बनाएंगे। तो इसके लिए हम ग्रुप लेयर को सिलेक्ट रखेंगे, अपने सिलेक्शन को एक्टिव रखेंगे और यहाँ पे ये एड लेयर मास्क बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये एक लेयर मास्क बन जाएगा। ये लेयर मास्क इस ग्रुप से लिंक है, तो इसका मतलब इस फोल्डर के अंडर जितने भी हम अब लेयर बनाएंगे वो सारे इसी लेयर मास्क पे काम करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक लेवल्स के लिए एडजस्टमेंट लेयर बना देते हैं। ये एडजस्टमेंट लेयर इस फोल्डर के अंदर इस लेयर मास्क के अंडर में है, तो जो भी हम एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे उस पे ये लेयर मास्क अप्लाई होगा। मतलब ये जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसी पे ये हमारा एडजस्टमेंट अप्लाई होगा। एक से ज़्यादा भी हम एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं इसी ग्रुप के अंडर में। जैसे अब हम एक कर्व्स के लिए बना लेते हैं, अब हम एक ह्यू सैचुरेशन के लिए भी बना लेते हैं, तो इस प्रकार से आप एक ग्रुप लेयर बना के उसके अंदर लेयर मास्क बनाएंगे और उसके अंडर में आप कितने भी एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करेंगे तो ये इसी सेलेक्टेड लेयर मास्क पे अप्लाई होगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे मान लो आपको अपने सिलेक्शन में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको अलग अलग एडजस्टमेंट लेयर के लिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये जो लेयर मास्क है इस लेयर पे आना है और आपको जो भी चेंजेस करने हैं इस पे अप्लाई करेंगे
तो बाकी की जो एडजस्टमेंट लेयर है उनके लिए ऑटो करेक्शन अपने आप हो जाएगा। जैसे ये इमेज है, इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्शन अपना परफेक्ट नहीं है। इसको परफेक्ट करने के लिए आपको इस लेयर मास्क को सिलेक्ट करना है और ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल में आप ब्रश की साइज को छोटा बड़ा करेंगे और आपको सिर्फ इस प्रकार से तो इस प्रकार से आप सिर्फ एक लेयर मास्क में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये सारे एडजस्टमेंट लेयर पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।